चलते हैं मेंटल मैथ क्वेश्चन बैंक क्लास सेवन्थ के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इस सीरीज में हम कर रहे हैं बच्चों इक्वेशन। जी हाँ, लीनियर इक्वेशन इन वैन वेरिएबल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, इसको पूरा देखें और देख कर सीखें और दूसरों को ज़रूर सिखाएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 करने वाले हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, ए 50 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 नंबर, द रिजल्ट इज 13, फाइंड द नंबर। नंबर फाइंड करना है, उस नंबर के 3 टाइम्स में से 3 गुणे में से 50 को माइनस कर दिया तो आंसर 13 आता है, तो नंबर हमें फाइंड आउट करना है। साथ ही हमें क्वेश्चन नंबर 14 भी करना होगा अभी। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 25, ठीक है, टू नंबर है उनका सम 25 है। वन ऑफ द नंबर एक्सीड द अदर बाई 9, ठीक है, एक नंबर दूसरे से 9 ज़्यादा है, मोर है, फाइंड द नंबर्स, वो नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आइए करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 अब हम करेंगे। यहाँ पर बच्चों मैं आपको दिखा देता हूँ और इसको हम करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। और यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो उसमें नंबर फाइंड करना है और उसमें लिख लेते हैं लेट द नंबर इक्वल टू एक्स, लेट द नंबर इक्वल टू एक्स, ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक्स लिख लिया है और इसमें लिखा इसका लिख लेते हैं 3 द नंबर कितना होगा वो भी हम इसमें लिख लेते हैं। इक्वल टू 3x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें लिखा है कि इसके जो 3 टाइम्स नंबर है उसमें से 50 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो रिजल्ट जो आएगा वो आता है बच्चों 13, ठीक है। अब इक्वेशन आपके सामने बन चुकी है, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बड़े इजी तरीके से। जैसे इक्वल 13, ए से 50 को इधर ले आते हैं, इधर ये माइनस के इधर आकर ये प्लस का हो जाता है। और अब हम इसको x की वैल्यू निकालने वाले हैं, तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड किया तो 63 और 3 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में हो गया। तो 3 से डिवाइड करते 3 2 जा 6 3 1 जा 3, तो यहाँ पर x इज इक्वल आ गया 21। ये आपका आंसर बच्चों आ गया है, ठीक है। और यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं द नंबर इज, द नंबर इज इक्वल 21, आप इस तरीके से आंसर को लिख दें। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 भी क्वेश्चन आपने रीड किया था, ठीक है, जैसे उसमें लिखा था द सम ऑफ टू नंबर इज 25, उसमें से फर्स्ट नंबर को x मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, ठीक है बच्चों। सेकेंड नंबर लिखा है बच्चों कि जो फर्स्ट नंबर है, ठीक है, वो सेकेंड नंबर उसमें क्या है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि फर्स्ट से 9 ज़्यादा है, इस तरीके से, ठीक है। और इनका सम कितना वो भी लिख लेते हैं, इनका सम है बच्चों 25। आइए करना शुरू करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बड़ा इजी है, x ये फर्स्ट नंबर हो गया और प्लस ये सेकंड नंबर, अगर हम इस तरीके से प्लस करते हैं तो आंसर आता है 25, ठीक है। इक्वेशन बन गई है 1x और 1x 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 25, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब हम इसको कर लेते हैं आगे, 2x 25 ये प्लस 9 है, इधर आकर ये माइनस 9 हो जाएगा। और यहाँ पर हम x की वैल्यू निकाले तो पहले 25 में से 9 माइनस करेंगे, 16 आ गया, और 2 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ गया, ठीक है। 2 से डिवाइड किया, 2 8 जा 16, तो x इज इक्वल आ गया 8। तो यहाँ पर बच्चों फर्स्ट नंबर तो आ गया 8, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट नंबर इक्वल 8। सेकेंड नंबर भी लिख लेते हैं, सेकेंड नंबर उसमें लिखा था
कि फर्स्ट नंबर से यानी सेकंड नंबर अपना ये था, तो एक्स की जगह हम एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं और प्लस 9 और 8 होता है 17। ठीक है बच्चों, तो ये आपके आंसर आ गए। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और इसमें से सीख कर आप दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।